बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे बॉयल अंडा पुलाव। ये रेसिपी देखने के बाद आपके हस्बैंड भी इसे आसानी से बना लेंगे। घर के ही नॉर्मल मसालों से बाजार जैसा चटाकेदार अंडा पुलाव किस तरह से बनता है, चलिए देख लेते हैं। अंडा पुलाव बनाने के लिए 2 कप मैंने बासमती राइस को, जिस तरह से हम बिरयानी के चावल उबालते हैं ना, उसी तरह से चावलों को थोड़ा सा जीरा डालकर उबाल लिया है। और चावल हमारे पूरी तरह से पके हुए हैं। इसे मैंने एक जाली वाले बर्तन में निकाल ली ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए। कोई भी चावल से अंडा पुलाव बना सकते हो, या फिर दाल पुलाव, या कोई भी आपने घर में चावल बनाए हो, बचे हुए चावल हो, उससे भी आप अंडा पुलाव बना सकते हो। तो चलिए अंडा पुलाव बना लेते हैं। आज मैं कढ़ाई में अंडा पुलाव बनाऊंगी। उसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को बारीक बारीक काटा है, ये भी डाल देते हैं। 4 से 5 हमने हरी मिर्च को क्रश करके लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्च को डाल सकते हो। थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे हम। साथ ही में हम 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। थोड़ा सा हम अदरक लहसुन को भून लेते हैं टमाटर और प्याज के साथ। 1 मिनट तक मैंने सभी चीजों को अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए अंडे लिए हूँ, तो 2 प्लेट में अंडा पुलाव का बना रही हूँ, तो 4 अंडे उबले हुए लिए है। आप चाहे तो अंडे की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हो। तो गोल गोल रिंग की तरह काट कर डाल देंगे हम। यहाँ पर मैं उबले हुए अंडे ले रही हूँ, आप इसमें कच्चे अंडे भी डाल सकते हो। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें अब मसाले डालेंगे हम। तो सबसे पहले डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ही मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक। एक बार मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें हमने जो चावलों को बॉईल करके रखा है तो वो डाल देते हैं। 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च को क्रश करके लिया है और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। गैस की फ्लेम इस टाइम पर मीडियम ही रखिए। अच्छी तरह से अंडे में चावलों को मिक्स करेंगे। जब चावलों को हमने बॉईल करने के लिए रखा था तो उसमें भी नमक डाला था, तो नमक को देखकर डालना है आपको। ये अंडा पुलाव बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। जो लोग बैचलर है या फिर अपने घर से दूर रहते हो, तो वो लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बचे हुए चावलों से भी आप इस अंडा पुलाव को बना सकते हो। तो गैस की फ्लेम आप तेज कर देती हूँ मैं, और तेज फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। चावल आपके पहले से ही उबले हुए हो तो 5 से 6 मिनट में ही रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अंडा पुलाव में हरे धनिए का भी। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ अंडा पुलाव की रेसिपी शेयर की थी, जो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की है। तो ये भी उसी तरह की सिंपल रेसिपी है। मैंने इसे बॉयल अंडे में बनाया है, और उस रेसिपी में मैंने कच्चे अंडे को भी ऐड किया था और बॉयल अंडे भी डाले थे। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। बस अब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम तेज़ आंच पर चावलों को मसाले में मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से हमारा अंडा पुलाव बन चुका है। बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसे टमाटर सॉस के साथ खा सकते हो या ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो गर्मा गर्म हम इसे सर्व कर लेते हैं, और ये देख सकते हो आप, एक एक चावल हमारा खिला खिला है और बहुत ही ज़बरदस्त ये अंडा पुलाव बन के तैयार होता है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं।
ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज रखी हूँ मैंने साइड में, और टमाटर केचप डालेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।